जब आप बात कोई कह रहे हैं और वो एक से ज्यादा के बारे में कह रहे हैं और उसमें आप भी शामिल हैं, तो सबसे पहली चीज आप अपने आप को उसमें लिखेंगे तो अपने आप को पीछे लिखेंगे। तो इसका मतलब क्या है, ये तो गलत हो जाएगा, आई एंड यू, आप अपने आप को पीछे लिखेंगे। दूसरी बात सर, जब आप सेंटेंस में अपने बारे में बात कर रहे हैं, देखो एक तो मैं कह दूं सब्जेक्ट, एक तो बच्चों मैं आपके सामने बोलूं सब्जेक्ट, एक मैं कह दूं सब्जेक्ट होता क्या है, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जिसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहां पे आप यू के बारे में भी बात कर रहे हो और अपने बारे में बात कर रहे हो, तो आप भी तो सके के सब्जेक्ट होगे ना भाई, जिसके बारे में बात करें वो सब्जेक्ट है। तो आपने यू के बारे में बात की तो बात तो आपने अपनी भी करी, तो आप भी तो सब्जेक्ट है। तो जिसके बारे में बात करते वो सब्जेक्ट है। तो सर जब ये सब्जेक्ट की फॉर्म में होता है तो ये मी नहीं लिखा जाता, आई लिखा जाता है, तो उसका मतलब ये मी भी गलत है, ये बनेगा यू एंड आई, फिर गलती कहां रहेगी। सर यहां पर ध्यान से देखो, जो बात आपने यू के बारे में कही वही बात आपने आई के बारे में कही, तो इसका मतलब ये बात आपने दो लोगों के बारे में की। अकेले आई की बात करते तो एम आता, दो की बात करें तो ज्यादा है तो क्या आएगा आर। अब समझ ठीक है, तो यू एंड आई आर हार्ड अप, यू एंड आई, एक एक वर्ड देखिए मैंने क्या बोला, यू एंड आई, यू एंड आई का मतलब आप और मैं, गुड़िया बेटी, बहुत बातें ना, यू एंड आई, जो बात आपने यू के बारे में वही मेरे बारे में, तो यू एंड आई, दैट्स यू एंड आई, यू एंड मी नहीं सर, मी एंड यू नहीं, आई एंड यू नहीं, यू एंड आई। बेटे समझ में आई बात, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देखो, मेरे साथ बोलो सर अब्सेंट, फिर से बोलो सर, देखो मैंने क्या बोला, आई एंड शी विल बी अब्सेंट टुमारो। अब देखो जो बात मैंने किसके बारे में कही, शी, वही बात मैंने किसके बारे में कही, हाँ, पर मैंने अपने आप को कहाँ रखा, और जबकि जब अपने भी बारे में बात करनी औरों के साथ तो अपने आप को कहाँ रखते हैं, पीछे। इसे कहते हैं सर प्राथमिकता, इसे शिष्टाचार कहते हैं सर, ये लैंग्वेज कर्टसी होता है, भाषा का शिष्टाचार। जैसे आप कहीं पे चले गए, आप अपने दोस्त के साथ चले गए, अपने रिलेटिव के यहाँ पर, और अपने साथ अपने दोस्त को भी ले गए, तो पानी आया, अगर वो पानी पहले आपको दिया गया तो आप पीते नहीं है सर, आप उसी गिलास को अपने दोस्त की तरफ कर देते, लीजिए, इसे शिष्टाचार कहते हैं। पहले आप, बड़ा कोई व्यक्ति है तो पहले आप नहीं बैठते, वो चेयर किसी और को देते, दूसरे पे आप बैठ जाते हैं, शिष्टाचार। तो भाषा में भी शिष्टाचार है सर, जब आप बात करते हो अपने आप को भी दिखा रहे हैं, किसी और को भी दिखा रहे हैं, तो पहले उसको दिखाओ जो कोई और है, फिर अपने आप को दिखाओ। तो इट्स ही एंड आई होता है, यू एंड आई होता है, आई एंड यू नहीं होता, आई एंड ही नहीं होता, आई एंड शी नहीं होता, शी एंड आई होता है। सर बताइए ना, आई की पोजीशन कहाँ होगी, हाँ जी बेटा, एक मोमेंट ऐसी आएगी जहां पर ये जो आए ना आए, जो आपका सबसे पीछे लगा हुआ ये सबसे पीछे से हटकर ये सबसे आगे आ जाएगा और बाकी सब पीछे चले जाएंगे। एक सिचुएशन ऐसी आएगी जहां पर बाकी, देखो पहले सेकंड आता है फिर थर्ड आता है, इनकी पोजीशन फिक्स्ड है, हमेशा पहले सेकंड आएगा फिर थर्ड आएगा। आए की पोजीशन है, आए या तो सबसे पीछे या सबसे आगे। अब मान लो क्या हुआ, क्लास में शरारत चल रही है, टीचर ने आके बोल दिया, कौन कौन बच्चा शरारत कर रहा था, खड़ा जा। बोले सर वो 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 और मैं। बोले वाह बहुत बढ़िया, शाबाश, अपने आप को सबसे पीछे लेके आ रहा है, तो ये कोई नियम नहीं, ये ठीक नहीं है, है ना, ये कोई उचित बात नहीं है। तो सही बात क्या है कि अगर कोई गलती हुई है, अगर आपसे कोई गलती हो गई, कोई गलत काम हो गया और अपने अलावा किसी और का भी नाम ले रहे, तो फिर ये गलत है कि अपना नाम सबसे पीछे लो। नियम ये कहता है कि गलती हुई तो पहले खुद स्वीकार करो फिर दूसरों का नाम लगाओ, अगर गलती हुई है तो पहले खुद स्वीकार करो फिर दूसरों का नाम लगाओ। तो इंग्लिश ये कहती है कि सबसे पहले आई आ जाएगा, पर कब, जब गलती होगी। जैसे देखो, आई यू ही एंड शी वर फाइटिंग, अब लड़ाई कर रहे थे तो उसमें तो अच्छा काम तो नहीं करते, शाबाशी वाला, वाह बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा, शाबाश, लड़ते हैं ऐसे ही लड़ते हैं कोई शाबाशी वाला काम तो था नहीं, तो इसलिए इसमें क्या बना, आई शी, है ना, ऐसे आई यू ही एंड शी वर फाइटिंग या आर फाइटिंग,
वर है, पास्ट है, वर फाइटिंग। तो हाँ कोई दिक्कत नहीं, हीना ने कहा सर ही शी की जगह नाउन हो तो बेटा है तो थर्ड पर्सन, अब मैं ही की जगह अमित कह दो तो कौन सा वो फर्स्ट पर्सन हो जाएगा बेटा, नाम तो थर्ड पर्सन ही होता है। बेटे बताओ राजा बेटा, भाई किसी का नाम आ गया अगर ही की जगह मैंने अमित कह दिया तो कौन सी नहीं बात कर दी, है तो अब भी थर्ड पर्सन। तो नाम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर, नाम आ गया तो फिर भी वही टू थ्री, देखो पॉइंट याद रखो, टू थ्री वन, टू थ्री वन, वन की पोजीशन आगे हो सकती गलत काम हो तो, अदरवाइज ऐसे ही। बात समझ में आ रही है सच्ची सच्ची।